मैं हमारे जुझारू लीडर सरदार तरनजीत सिंह टोनी जी, डीडीसी मेंबर सुचेतगढ़, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है। आने वाले भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं, ये हमारा भविष्य हैं, और इनके लिए अच्छा स्कूल हो, ये फैसिलिटी जो शहरों में दी जाती है वो फैसिलिटी हमें गांव में दे रहे हैं। गवर्नमेंट का भी है कि बैक टू विलेज जो प्रोग्राम रखा है, इसीलिए रखा गया है कि इस गाँव में जो है अच्छी सुविधा प्रोवाइड की जाए। ये पहला ऐसा स्कूल है, प्ले वे नर्सरी स्कूल जो है, मैं बोलता हूँ इस शहरों में ही देखते थे। आज हमारी 3 पंचायतों में जे टोनी साहब ने ऐसा गिफ्ट दिया है कि जिसको हम सदा याद रखेंगे, और हमारे 3 पंचायतों के लोग इनके ऋणी हैं कि हमारे भविष्य जो है, आगे आने वाले बच्चों का जो भविष्य है उनके बारे में जो सोचते हैं। ऐसे लीडर जो जमीन स्तर तक जो काम करते हैं, देखते हैं कि बच्चों का भविष्य आगे ठीक नहीं है। बिल्डिंग हमारी आगे भी टूटी हुई है, मैं पहले भी आपसे जिक्र कर रहा था, 2-3 मीटिंगों में मैं बोल चुका हूं कि बिल्डिंग हमारी स्कूल की बिल्कुल डैमेज है, इसको भी जल्दी से जल्दी रिपेयर कराया जाए। और हम, मैं तरनजीत सिंह टोनी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमें उन्हें प्ले वे नर्सरी स्कूल दिया। हमारे बच्चों का भविष्य आगे वाला सुनहरा, हम जो ये सुनहरी किरण है वो हम देख रहे हैं, इसके था। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। भी DDC जो टूर के लिए गए थे तेलंगाना, तो वहाँ पे हमने देखा कि सरकार की तरफ से जहाँ सरकार नहीं पहुँच पा रही है और जो गैप है वहाँ पे DDCs अपना फंड लगा रहे थे। तो हमें, मुझे ये आगे इस इलाके में ये पता चला कि एजुकेशन जो है, बेसिक एजुकेशन, जहाँ प्ले वे नर्सरी जिसको हम बोलते हैं, वो शहर में जाओ तो आपको बड़े विकल्प मिल जाएंगे। एक नहीं, हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर मोहल्ले में प्ले वे नर्सरी अच्छा सा खुला हुआ है और लोगों के पास बड़ी वैरायटी है और बड़े अच्छे प्ले वे नर्सरी स्कूल हैं। गर्मियों में AC लगा होगा, हर चीज़ है, तो बच्चे जो हैं चाहते हैं कि भाई अच्छे उनके पास खिलौने हैं अंदर सीखने के लिए, हर चीज़ है, फैसिलिटीज़ पूरी हैं। तो मुझे लगा कि पूरे इधर पूरा ये पूरा सही का एक क्लस्टर है, इसमें तकरीबन 3 पंचायतें हैं जिनकी अभी बाइफर्केशन हो तो यहाँ 4 पंचायतें बनती हैं, और तकरीबन यहाँ पे 25 से 30 गाँव का जो ये जो क्लस्टर है, यहाँ पे बिल्कुल ही कोई वो चीज़ नहीं है। बाकी जो RSपुरा के पास है यहाँ फिर कोई मिल सकता है, यहाँ पर नहीं था। तो मुझे ये ज़रूरत लगी और फिर मैंने अपने फ़ंड से 25 लाख रुपया जो है वो इस प्ले वे नर्सरी के लिए रखा है। यहाँ एक बड़ा हॉल, एक साथ में उसका छोटा कमरा, साथ में वो बाथरूम है अटैच, उसके साथ बीच में AC लगा के, डेस्क लगा कर, सारा कंप्लीट एक बजट बनाया है 25 लाख का, और उसके हिसाब से बिल्डिंग भी अच्छी तरीके से बनेगी जिसके अंदर हम अच्छी क्वालिटी का प्रबंध रखेंगे, और ख़ास तौर पे जो 6 फीट तक वॉल होगी उसको टाइल करेंगे, और टाइल के ऊपर जो भांति भांति के चित्र हैं उनको दर्शाया जाएगा, बच्चे सीखेंगे उसमें। और ये हम डायरेक्टर एजुकेशन और चीफ एजुकेशन से भी दरख्वास्त करेंगे और कमिश्नर साहब से भी कि सिर्फ बंद कमरों में बैठे रहने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, मेरे इलाके की अनसेफ बिल्डिंग्स को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। बच्चे जो हैं वो अभी भी अनसेफ बिल्डिंग्स में बैठे हैं, बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी हैं, स्कूल अनसेफ बिल्डिंग कारण क्लोज हो गए हैं। फ्लोरा का स्कूल क्लोज हो चुका है, सतराइया में स्कूल है तो वो अनसेफ बिल्डिंग के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ मेरे स्कूल जो हैं उनको रिपेयर चाहिए, अच्छी तरीके अच्छी बिल्डिंग चाहिए। मैं आज सही के जो सरपंच हैं सर्वजीत, यहाँ के पंच, सभी को, सभी लोगों को ये मुबारकबाद देता हूँ कि ये अभी मैं चीफ एजुकेशन साहब से बात कर रहा, ऑफिसर साहब से बात कर रहा था, मिस्टर पादा से, वो कह रहे थे कि आज उनकी कोई रिव्यू मीटिंग है, जल्द ही वो यहाँ का दौरा रखेंगे। इसके साथ एडजाइनिंग जो इनका जो समग्रा या बाकी जो
इनकी स्कीम्स हैं उसके तहत जो बाकी भी बिल्डिंग का हिस्से और जो हैं जो टूटा हुआ ये सामने आपको नज़र आ रहा है इसको तोड़ के दोबारा बनाने की आग्रह किया है ताकि हमारे बच्चे जो हैं अच्छी एजुकेशन जो है पा सकें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।